अरविंद केजरीवाल अपना अनशन कल शाम 5 बजे तोड़ेंगे, क्या कुछ कह रहे हैं इस वक्त सीधे लिए चलते हैं, सुनिए अरविंद केजरीवाल को। दिल्ली की जनता से अपील है कि जिन जिन लोगों के कनेक्शन कटे हुए हैं, सारी गली वाले इकट्ठे हो जाओ और उन लोगों के कनेक्शन जोड़ दो। अभी तक तो हम साइन कर रहे थे, अब साइन से अगला कदम लेने की जरूरत है, अब हम कनेक्शन जोड़ेंगे। और सारे कार्यकर्ताओं से अपील है कि सब लोग अपने अपने वार्ड में कल एक राउंड लगा लें, पूरा रिक्शा लेके माइक लेके एक राउंड पूरा लगा लें और जिस के घर में कनेक्शन कटे हुए हैं, सारे लोगों के कनेक्शन लोगों को इकट्ठा करके उनसे जुड़वाएं, उनके मन में हिम्मत पैदा करें कि वो कनेक्शन जोड़ सकते हैं। जितने लोगों के घरों में सरकार ने अंधेरा फैलाया, सबके घरों में उजाला कर देना। और ये हमें केवल कल कल नहीं करना, उसके बाद आने वाले समय में हर इतवार को ये नियम बना लो, हर इतवार को अपने वार्ड का राउंड लगाएंगे, अनाउंसमेंट करेंगे, भाई पिछले हफ्ते में बिजली वाले आए थे, पानी वाले आए थे, कनेक्शन काट के गए, तो उनके कनेक्शन जोड़ाना। हर हफ्ते करेंगे, जनता को ये दिखाना है हम सारे साथ हैं, हम सारे संगठित हैं। हम एक बार नहीं आए थे दस्तखत कराने के लिए, हम तुम्हारे सुख दुख के अंदर हमेशा साथ रहेंगे। तो कल साथियों पूरा दिन हम लोगों को ये करना है, और पूरा दिन ये करने के बाद कल शुभ दिन है, 6 अप्रैल है, कल गांधी जी ने अपना नमक कानून तोड़ा था। शाम को 5 बजे सब लोग यहां पे इकट्ठे होंगे और कल शाम को 5 बजे मैं अपना उपवास समाप्त करूंगा। अन्ना जी के हाथ से जूस पी के मैं अपना उपवास समाप्त करता, लेकिन अन्ना जी बहुत ज्यादा बिजी हैं, वो अपने दौरे के ऊपर हैं, वो आ नहीं सकेंगे, लेकिन उन्होंने अपना आशीर्वाद भेजा है, हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और अंत में मैं फिर आप सब लोगों को बधाई देता हूं, दिल्ली की जनता को बधाई देता हूं। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ है और अब ये आंदोलन खत्म नहीं होना चाहिए। कल मेरा उपवास खत्म होगा लेकिन ये आंदोलन जारी रहेगा। भारत माता की, भारत माता की।